डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। कल हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, आज हम आर्टिकल्स के ए और एन का यूज़ पढ़ेंगे कि आज ए और एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। ए एंड एन, पहले हम यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ इनडेफिनेट, यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल ए। इसको समझने से पहले हम पिछला वाला थोड़ा सा दोहराते हैं कि ए, एन और द, ये तीन हमारे क्या हैं? आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? कल हमने पढ़ा था डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट कौन सा होता है? द। इनडेफिनेट में ए और एन। ए एंड एन आर द वीकेंड फॉर्म ऑफ वन एंड आर कॉल्ड द इनडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज दे पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। क्या है इसमें? इस प्रकार ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग एक वचन के किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले होता है। तो अब हम यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए। फर्स्ट, उस सिंगुलर नाउन से पहले ए का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है जो किसी कॉन्सोनेंट यानी कि हमारा व्यंजन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और कॉन्सोनेंट की साउंड देती है आवाज़, कॉन्सोनेंट की साउंड से बोला जाता है, साउंड से ही बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए हॉर्स, ए डॉक्टर, ए मैन, ये हमारे, इनमें हमारे क्या है? हॉर्स, ह कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, डॉक्टर ड, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है, मैन म, ये भी हमारे साउंड आ रही है किसकी? कॉन्सोनेंट की। अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट, उस सिंगुलर नाउन से पहले ए का प्रयोग होता है, पहले ए का यूज होता है जो अक्षर ई या यू या दोनों ई यू से स्टार्ट होता है। बेटा ये आप पॉइंट सात के साथ नोट करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में, स्टार्ट होता है तो आप इनको साथ के साथ अपनी नोटबुक में राइट करो। परंतु जिसका उच्चारण वाई और यू यानी य की ध्वनि से होता है जैसे ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिक पर्सन, ए यूनिफॉर्म,
देखो बेटा, ये हमारे ए आई ई ओ यू हमारे पांच वोवल्स होते हैं जिसमें हम ए एन का यूज़ करते हैं, बट हम यहाँ पर ए का यूज़ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि जो इसका उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ ए का यूज़ कर रहे हैं। अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, उस सिंगुलर नाउन से पहले, उस सिंगुलर नाउन से पहले ए का यूज होता है जो ओ अक्षर से स्टार्ट होता है परंतु डब्ल्यू यू यानी कि व की साउंड से बोला जाता है जैसे ए वन रुपी नोट। अब यहाँ पर आ तो रहा है वोवल, बट हमें साउंड किसकी आ रही है? व की। ए वन आइड मैन, ए वन साइडेड गेम। अब हमारा आता है फोर्थ, ये उस सिंगुलर नाउन से पहले ए का यूज़ होता है जो अक्सर एच से स्टार्ट होता है और एच की ही साउंड से बोला जाता है ए होर्स। अब होर्स ह ए हिस्ट्री ए होटल, यहाँ पर सब पे ह की साउंड सुनाई दे रही है। ए हीरो, यहाँ पर सब में हमें क्या सुनाई दे रहा है? सब में हमें है की साउंड सुनाई दे रही है। अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के अर्थ में किया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल ए डेनियल डेनियल क्या होता है? ए वेरी वाइज जज यानी कम टू जजमेंट। जजमेंट ये थे हमारे यूज ऑफ ए, जो हमने अच्छे से समझे होंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।